नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया और आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। कोंजा लाद से हमारे विशेष संवाददाता एस शेख की रिपोर्ट। कोंजा में आज किसानों ने सोयाबीन के कम दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जो जल्दी ही उग्र रूप ले लिया। कृषि उपज मंडी में जब सुबह 11 बजे व्यापारियों ने सोयाबीन की बोली मात्र 3000 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू की, तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने मांग की कि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिलना चाहिए, लेकिन मंडी सचिव नीलेश भाकरे ने ये कहते हुए बातचीत से इनकार कर दिया कि उनके पास इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। इससे नाराज किसानों ने मंडी के मुख्य द्वार पर रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया और कुछ किसान सड़क पर बैठकर विरोध करने लगे। इस दौरान आप पार्टी के राज्य संघटक अधिवक्ता मनीष मोडक ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाए और इस आंदोलन को और तेज किया। मोडक ने इससे पहले भी राज्य के मुख्य सचिव से भावांतर योजना लागू करने की मांग की थी, जो मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी आचार संहिता के चलते यह मांग स्वीकार नहीं की गई। आखिरकार किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। किसानों पर लाठियां बरसाई गईं, लेकिन वे अपनी मांगों पर डटे रहे। इस दौरान कई किसान, जिनमें एडवोकेट मनीष मोडक और AIMIM नेता नसीरुद्दीन खतीब शामिल थे, को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि थोड़ी देर बाद सभी किसानों को रिहा कर दिया गया। किसानों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और उचित दाम मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है। आप देख रहे थे VSM प्राइम, जहां हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे सटीक।